नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का खास प्रोग्राम सुबह सवेरे। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि विभाग से निष्कासित 648 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बहाल होंगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला। पर्यटन विभाग करेगा 1500 संविदा कर्मचारियों की भर्ती। पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस। छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा हटाने पर हंगामा। शिवराज ने कहा, ये सरकार महापुरुषों के अपमान पर गर्व करती है। 11 फरवरी को प्रतिमा हटाने के विरोध में हजारों लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल को दी तंज बधाई। कहा, अब समय आ गया है दिल्ली के सभी स्कूलों मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कैलाश के बयान पर जताया एतराज। धार जिले के गंधवानी थाने की टीआई ने दूसरी शादी की तो इंदौर से गंधवानी पहुंची पत्नी। हंगामा किया, टीआई लाइन अटैच। पत्नी बेटे ने टीआई की आवाज में रह रही युवती को पीटा। मौके पर पहुंचे एसडीओपी ने छुड़ाया। इंदौर में गार्डन के बाहर खड़ी महंगी साइकिलों को चुराने वाला चोर पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान में पकड़ाया। नशे के शौक को पूरा करने बना चोर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा। 3 बदमाशों के पास धारदार हथियार मिले। विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से। वित्त मंत्री 20 मार्च को पेश करेंगे 2020-2021 का बजट। कई योजनाएं बंद होंगी। 2020 के आम बजट में केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में बड़ी कटौती होने से प्रदेश का बजट अनुमान गड़बड़ाया। रीवा जिले के रिमारी धान खरीदी केंद्र में 5वें दिन जारी रहा त्योंथर। विधायक श्यामलाल द्विवेदी भोपाल में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के आयुक्त से चर्चा कर अनशन तोड़वाने का आग्रह किया। रीवा के जेपी नगर में संचालित हाईटेक कॉस्ट्रिंग सेंटर जेपी प्लांट से तकरीबन 200 से ज्यादा श्रमिकों की छटनी कर दी गई। इसके खिलाफ C2 द्वारा मोर्चा खोलते हुए बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कमिश्नर एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष अपनी फरियाद सुनाई। रीवा के लालगांव चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत बास में एक मकान में भयानक आग लगने से गृहस्थी और टेंट हाउस में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। CBSE ने परीक्षाओं को लेकर जारी किया निर्देश। नियमित छात्र परीक्षा केंद्र पर स्कूल ड्रेस में पहुंचे। CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से होगी शुरू। आज सुबह सवेरे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।